नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कुछ टाइम पहले ये एंट्री मारी और सोशल मीडिया ज्वाइन करते ही फेक न्यूज़ के जंजाल में भी फंस गई हैं। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत ने ट्विटर पर आते ही एक इंटरव्यू शेयर करते हुए आमिर खान पर कट्टरपंथी होने का आरोप मढ़ दिया था, लेकिन आपको बता दें कि ये इंटरव्यू पूरी तरीके से फेक है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लंबे टाइम से सोशल मीडिया से दूर रही और उनकी टीम ही उनके कमेंट अपनी ट्विटर अकाउंट पर शेयर करती रही, लेकिन कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने एंट्री मारी और एक आमिर खान का फेक इंटरव्यू शेयर कर डाला। जी हां दोस्तों, कंगना ने ट्विटर पर आते ही इंटरव्यू शेयर किया और उन पर कट्टरपंथी होने का आरोप मढ़ दिया था, लेकिन आपको बता दें कि आमिर ने ऐसा कोई भी इंटरव्यू कभी नहीं दिया और इस फेक इंटरव्यू के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। जी हां, कंगना रनौत की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं क्योंकि आमिर खान ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी है कि कंगना रनौत ने उनका फेक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने ट्विटर पर आमिर खान का फेक इंटरव्यू शेयर किया जिसमें आमिर खान कह रहे हैं कि भले ही वो मुस्लिम हैं और उनकी पत्नी हिंदू, लेकिन उनके बच्चे मुस्लिम रीति रिवाज और परिवेश के साथ ही बड़े होंगे। कंगना ने इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा था कि शादी का मतलब शिवजीन्य और संस्कृति का समन्वय नहीं बल्कि धर्मों का भी समन्वय है। बच्चों को अल्लाह की इबादत भी सिखाइए और श्री कृष्णा की भक्ति भी, यही धर्म निरपेक्षता है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत ने आमिर खान को लेकर यह इंटरव्यू शेयर किया था जिसके बाद अब कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ये इंटरव्यू फेक साबित हुआ है और आमिर खान ने अब इस इंटरव्यू के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है जिसके बाद कंगना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बॉलीवुड से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।